जो मेरे मन में जो विचार पैदा होता है मैं सिर्फ आपको वो शेयर करूंगा कि लगभग 50 साल से मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। 1 मई को इस वर्ष मेरे संघ आयु के पूरे 50 साल होंगे। 1 मई 1969 को मैं पहली बार संघ की शाखा में गया था और अभी 13 अक्टूबर 2018 को 25 वर्ष राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हुए पूरे हुए। बचपन से ये 3 शब्द हम सुन रहे हैं, प्रचारक, विस्तारक और पूर्णकालिक। ये ठीक है कि अब ये बीजेपी में ये शब्द अभी सुनने लगे हैं, लेकिन ये शब्द तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में भी सुनते थे, संघ में, और लगातार जो जो हमारे विचार परिवार की वर्किंग से जानते वो इन तीनों जो शब्द हैं इनसे फैमिलियर है। ये जो तीनों शब्द हैं इनमें से एक ही सुगंध आती है, वो एक प्रकार से जो प्रचारक में से सुगंध आती है। और मैं तो सच मायने में जो प्रचारक जीवन जो अडॉप्ट करते हैं उनको एक प्रकार से कोई ईश्वर की विशेष कृपा है, ईश्वर का विशेष उनको आशीर्वाद प्राप्त है कि उनको प्रचारक बनने का मौका मिला, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी तरह से जो विस्तारक या पूर्णकालिक, ये कह सकते हो कि ये थोड़ा सा लेस, इस पे लेस कृपा है भगवान की, लेकिन सुगंध इसके अंदर से भी वही आती है मेरे परसेप्शन के अंदर। मतलब मैं इसको विस्तारक को भी और प्रचारक को भी और जो पूर्णकालिक को लगभग एक ही कैटेगरी में मानता हूँ। एक को भगवान की संपूर्ण कृपा, एक को थोड़ी कम, एक को थोड़ी सी और कम, लेकिन तीनों को जो है एक महान लक्ष्य के लिए भगवान ने जिम्मेदारी दी है हमारे विचार परिवार में, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मेरे लिए आप सब जिनको विस्तारक के नाते जिम्मेदारी मिली है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जिसके कारण ये मिला, लेकिन उस क्राइटेरिया से भी ज़्यादा जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि ये यूज़ नहीं हो रहे थे या ये समझ लीजिए कि इनका इस्तेमाल नहीं था, जिम्मेदारी पे नहीं थे इत्यादि इत्यादि, ये भी बताया गया कि जिम्मेदारी पे जो वास्तव में जिम्मेदारी पे है, किसी भी जिम्मेदारी पे वो विस्तारक नहीं बन सकता। लेकिन इसको मैं अपने परसेप्शन से लूँ तो मैं इसको, आप आज जिम्मेदारी पे नहीं थे इसलिए आपको सौभाग्य मिल गया विस्तारक बनने का, इसे ऐसे मानो ये एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिसगाइज जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये छुपा हुआ जो है एक तरह से आपको आशीर्वाद जो है ये कृपा मिल गई। अब दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको जो भी जिम्मेदारी कभी भी जीवन में मिलती है, अब हम चूंकि राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में कोई समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिले, चाहे उसको मंडल का अध्यक्ष बनने का मौका मिले, चाहे पदाधिकारी बनने का मौका मिले, चाहे उसको MLA, कारपोरेटर, कुछ भी बनने का मौका मिले, अभी जैसे आपको फर्स्ट टाइम लाइफ में विस्तारक बनने का उस समय आपको मौका मिला है जब विस्तारक योजना पूरी भारतीय जनता पार्टी में पहली बार विस्तारक के नाते इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है, और जब अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, उस समय आप विस्तारक बने हैं। तो जब पहली बार कोई भी काम मिलता है वो एक ही मौका होता है, दैट इज द फर्स्ट, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है दैट इज द लास्ट इंप्रेशन। और जितना अपनी योग्यता है, सामर्थ्य है, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, विजन है और आउटकम ऑफ योर वर्क, उसको दिखाने का भी मौका आपको वो एक ही बार मिलता है। इफ़ यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी तो यू लूज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ टू प्रूव योर सेल्फ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं 4 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, बहुत नज़दीक से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग पदों पे, जिम्मेदारी के पदों पे, अलग अलग समय पे पद पद बदलते हुए ये सब देखा है। लेकिन मेरी मेमोरी में वो कार्यकर्ता जो हु प्रूव्ड देमसेल्फ
जो मतलब नज़र आता था कि ये इनके लिए पद का कोई महत्व नहीं है, इनके लिए काम का महत्व है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उस तरीके से अंकित है मेमोरी के अंदर कि उनको चाहे कोई भी मिटाने की कोशिश करे वो मिट नहीं सकता। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि ये ठीक है, इनको पद मिला था, ये अपना पद को इन्होंने 2-3 साल निकाला, उसके बाद एक नया आ गया। अब आपने भी खुद भी अपने समय में देखा होगा, अपने अपने जहाँ काम करते हो, कि कोई ऐसे मंडल अध्यक्ष हैं जिनके लिए हर एक आदमी याद करता है कि यार वो मंडल अध्यक्ष था तो क्या काम होता था, वो जिला अध्यक्ष होता था तो क्या ज़िले की स्थिति होती थी, वो प्रदेश में अध्यक्ष था तो क्या स्थिति होती थी, हर एक चीज़ के लिए। वो कॉरपोरेटर था जो कॉरपोरेटर जिसने पूरी ईमानदारी से काम किया होगा उसको लोग ईमानदारी से ही काम करने वाला कॉरपोरेटर की तरह याद करते हैं, है ना ऐसा। तो ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक बड़े ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तरह लीजिए, इसको लाइफ टाइम, अब क्योंकि आप सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं तो राजनीति में आपको कुछ आगे क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो आपके काम को देख के कोई 10 आदमी ताली बजाएंगे वही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। बीजेपी में कोई आदमी को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई नगद नहीं मिलता, कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता, हर एक आदमी को टिकट नहीं मिलता, टिकट तो मेरे ख्याल से 0.00001% को भी नहीं मिलता। बाकी सब लोग किस लिए काम करते हैं? हम सब इसलिए काम करते हैं क्योंकि इस पार्टी में काम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हमको ये नहीं कि कोई इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई अमित शाह जी के लिए या मोदी जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें ये सेटिस्फेक्शन है हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ये पार्टी देश के लिए समर्पित पार्टी है। तो इस काम को आप ईश्वर की थोड़ी कम कृपा हुई, जितनी सिद्धार्थन जी को हुई उतनी आपको नहीं हुई ऐसे मान के चलिए, लेकिन इसको कृपा ईश्वर की मान के इसको उसी भाव से करिए। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों 2 बातों में मुझे सिद्धार्थन जी की बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि मैं बहुत सालों से इसकी शिकायत भी करता रहता हूँ पार्टी में। एक उस दिन वो आए थे जिस दिन हमारा एक दूसरा वाला कार्यालय खुला था, तो उन्होंने भाषण में अपने कहा कि एक मंडल के अंदर 100-125 आदमी तो अच्छी क्वालिटी के कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने 7 जो है मोर्चे गिनाए और 7 × 15 करके 105 तो ऐसे ही हो गए, और 7 में 15 जो है रेगुलर टीम के हो गए, 120 हो गए। उसके बाद हम लोगों ने इस फॉर्मूले से मंडल में मीटिंग करनी शुरू की, और जब पहली एक मीटिंग की तो उसमें 84 कार्यकर्ता है, उनको आपस में ही नहीं विश्वास हो रहा था कि हम सारे मंडल के कार्यकर्ता हैं, ये वीरेंद्र गोयल जी बैठे हुए हैं, कि यार हम 84 हैं एक साथ। तो ये यानी हम कभी कभी उसी 10-20-5 में घूमते रहते हैं। पहली बार मैंने ये मुझे सेटिस्फेक्शन हुई क्योंकि ये जब बहुत सालों से पार्टी में 10-10-10 लिखो, 10 का नाम लिखो, लोग कट 10 लिखते हैं, उसके बाद दे स्टॉप देयर वर्क। और मेरा अपना अनुभव है 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कि दिल्ली में कोई ऐसा पोलिंग बूथ शायद नहीं होगा जहाँ 20-25-30, मेरे कृष्णानगर में तो मेरे को ऐसे ऐसे बूथ याद है जहाँ 64 कार्यकर्ता एक पोलिंग बूथ पे होते थे। तो आपके आज उन्होंने ऑफिशियली वो डेफिनेशन में 10 का 20 कर दिया, इसकी मुझे बड़ी खुशी है, वरना इसके लिए मैं बहुत सालों से लड़ रहा हूँ कि ये 10 10 10 10 10 की सूची बनाना, 10 की सूची बनाना ये बंद करिए, क्योंकि 10 से बहुत ज़्यादा सब जगह पर है। और ये बहुत सारे बूथों के बारे में हमें ये कल्पना रहती है कि इस बूथ पे कार्यकर्ता है ही नहीं, ये मिथ जो है ये 2007 के कॉरपोरेशन के चुनाव में टूट चुका है, जब हमने दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन के चुनाव में सीलमपुर की भी सीट जीती, सीमापुरी की भी सीट जीती, इस चांदनी चौक ज़िले के अंदर वो जो अपनी लाल बाग की सीट है वो भी जीती, और ऐसी बहुत सारी सीटें जीती जहां हम सोचते थे यहां तो कार्यकर्ता होता ही नहीं, और वहां पे जो है हमें 20-20-30-30 कार्यकर्ता दिख गए, और कोई ऐसा बूथ नहीं हमारे को पूरी दिल्ली में दिखाई दिया। और 2013 के अंदर रामलाल जी के साथ पूरे दिल्ली के अंदर हमने सारे बूथों के ऊपर चक्कर लगाया था, और उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने देखा कि किस तरह से कोई ऐसा बूथ नहीं है दिल्ली के अंदर जिसके ऊपर। तो अब आज के बाद से आप मान के चलो कि ऑफिशियली डेफिनेशन हैज़ चेंज्ड, हर एक बूथ के ऊपर हमें 20 कार्यकर्ता तो हर हालत के अंदर, और 20 कार्यकर्ता इज़ लाइक दिस, मतलब 20 कार्यकर्ता की सूची बनाना इतना सिंपल है, आप देखोगे कि कोई उसमें कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है।
और 20 कार्यकर्ता को डिवाइड करते ही जो अभी कहा गया कि 20 10 10 को लिख लें, 200 225 परिवार होंगे। अब आप ये देखिए कि 10 को लिखेंगे आप, एक कार्यकर्ता को 10 कार्यकर्ता के 10 परिवार बांटने पर अब आपके पास, अगर ये मान के मैं चलूं कि 15 अप्रैल को चुनाव है, रफली 15 अप्रैल को चुनाव है, तो अभी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कितने दिन है, 40 दिन है ना करीब, 40 मान लीजिए आप, यानी एक कार्यकर्ता को आपके काम बांटते ही एक परिवार के ऊपर काम करने के लिए 4 दिन है 4 दिन, यानी आज अगर आप शाम को काम बांट दें तो एक परिवार, एक एक कार्यकर्ता को जो 10 परिवार मिलेंगे, एक परिवार पे 4 दिन वर्किंग कर सकता है, 4 दिन वर्किंग। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये भी अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जितनी स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ ये सब इम्प्लीमेंट करके मैंने खुद देखी हुई है। कांग्रेसी के परिवार में भी जाकर अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया उसका 50% डिस्कस कराओगे, 4 दिन है तुम्हारे पास, मैं कह रहा हूँ 1 दिन 1 घंटा भी चले जाओगे तो 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। हो सकता है बाहर कहे कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी ही रहूँगा, दिखूँगा भी कांग्रेसी जैसा, लेकिन वोट डालते समय कोई अपने वोट को ख़राब नहीं करना चाहता। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू वोट फॉर ए पर्सन हु इज़ गोइंग टू विन। इसलिए आपका काम बढ़ते ही काम कितना सिंपल हो जाता है इसकी आपको सीधे सीधे 1 मिनट में कल्पना होती है। अब मुझे अगर ये काम करना हो जो सिद्धार्थन जी ने बताया, मान लो मैं आपकी जगह विस्तारक होता तो मैं क्या करता या मैं क्या करता रहा हूँ, विस्तारक की तो कल्पना पहले नहीं होती थी, तो मैं जो करना चाहूँगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इतना सिंपल तरीका आपको बता दूंगा, अगर आप वास्तव में कर लेंगे तो आपका सारा 90% बोझ वो अगले 2 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपकी हर एक बूथ की, या आप जैसे विस्तारक है तो आपकी 5 बूथ की जो जिम्मेदारी है उसका जो आउटपुट है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, आपका बोझा 10% रह जाएगा। आपको तो क्या करना है, ये तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि स्टेज से दूर रहना है, हार से दूर रहना है, नोटों से दूर रहना है, ये बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के वो जो बैठा है पद पे उसी का सहायक की तरह काम करना है। अब आपने सिर्फ इतना ही तो एंश्योर करना है कि आपकी जो 5 बूथ है उन 5 बूथों पे वहाँ जो आपका रेगुलर शहरी केंद्र प्रमुख बना हुआ है उसको थोड़ा सा पुश करते हुए उन 5 बूथों पे, अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगा कि 5 बूथ के 5 जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको अभी घर जाके फ़ोन करूँगा, उनको बोलूँगा भाई मैं आज रात तक या कल दोपहर तक या तो तुम्हारे पास आऊँगा या तुम्हें बुलाऊँगा, तुम ज़रा अपने बूथ में जितने प्रकार के कार्यकर्ता हैं या जिनको हम कार्यकर्ता कह सकते हैं या कोई स्वयंसेवक जैसे है उनकी एक लिस्ट ज़रा रफ बना लो, कौन सी कागजों पे बनी हुई है उसको भी देखना है, देख लो, किसी से सलाह करनी कर लो और हम कल दोपहर से पहले पहले आपस में बैठेंगे। 2 को बेशक घर बुला लो, 3 के आप घर पर चले जाओ और उसके बाद उनके पास जाके उस लिस्ट के साथ देखते हुए, भले ही आप हो सकता है हर एक को नहीं जानते होंगे, और सोच लो भाई और किसी से पूछना है और पता कर लो, और ये लिस्ट 20 की जगह 25 की होती है 25 की कर लो, और इम्प्रूव करना है कर लो, और इसमें टेंशन की बात नहीं, कहीं अगर 16 की है तो 16 की भी चलेगी, ज़बरदस्ती उसमें 4 नाम लिखने की भी बात नहीं है। और उसके बाद उनको सिर्फ आप इतना बोलिए कि भाई ये लिस्ट तुम्हारी तैयार हो गई ना, अब टाइम तय कर लो 5 जगह के लिए, ये एक चाय वाली मीटिंग बुलवा दो, उस मीटिंग के अंदर वो उस बूथ के कार्यकर्ता, चाहे आप उसको एक्सपीडाइट करा दो अपने घर में करा लो, आप जो अपना शहरी केंद्र प्रमुख है उसके घर में करा लो, जो समिति का प्रधान है उसके घर में करा लो, समिति के जो महामंत्री के घर में करा लो, उस समिति में कोई जो है मान लो जिला अध्यक्ष रहता है उसको कहो यार इसके घर में इस समिति की बैठक रखवा लो, और उन सारों को चाय पे बिस्कुट पे बुला लो, 1 घंटा साथ में बिठाओ और लिस्ट सामने रखो, और लिस्ट सामने रख के जो
20 या 15 या 25 जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में उनकी पसंद के, कई बार होता है कि उसमें थोड़ा सा वो भी डिवीजन अगर खाली पन्ने के हिसाब से कर दिया जाए तो शायद 100% इफेक्टिव नहीं होगा। मैं रहता यहाँ हूँ, पन्ने पे लिख के दे दिया, पता नहीं कौन से जगह का, जहाँ मैं कभी गया नहीं वहाँ मेरा एक जानकार नहीं, कुछ नहीं। तो अगर वो 15-20 आदमी इकट्ठे चाय पीते हुए इस काम को डिवाइड कर लेंगे, हाथ के हाथ डिवाइड करिए, हर एक के आगे उसकी पर्ची के ऊपर उसके 20 नाम लिख के एक कागज़ उसको जेब में डाल के दे दीजिए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए। यानी अगले 48 घंटे में हर एक बूथ के ऊपर जो ये गट व्यवस्था है ऐसी बन जाएगी कि हर एक कार्यकर्ता के माथे पे आप उसके 10 परिवार 15 परिवार लिखवा सकते हैं, उसकी जेब में उसकी छोटी डायरी में वो परिवार डाल सकते हैं। अब उसके बाद फिर उस चर्चा में सारे कार्यकर्ता तो ट्रेंड है, किसी को कोई ट्रेनिंग में तो कमी है नहीं, फिर उन्हें पता है कि इनके मोबाइल नंबर भी लेने हैं, इनका ये भी करना है, इनको वो भी करना है, इनको ऐसे मिलना है वैसे मिलना है, इनको ऐसे रिमाइंड करना है ऐसे करना है, इतना ही तो करना है। आपको सबको चुनावों में अनुभव है कि खूब हवा चली होती है, हवा नहीं भी चली होती है, जिन इलेक्शंस को हमने बुरी तरह हारा होगा उसमें भी हमारे बूथों के ऊपर खूब ढेर सारे कार्यकर्ता होते हैं, देखा है ना आपने, और ढेर सारे कार्यकर्ता होते हैं। हम बस अपना सुबह घर से निकलते हैं, ढेर सारे कार्यकर्ता हैं चारों तरफ, खुश होते रहते हैं, बात करते रहते हैं, दो चार इधर उधर छोटी मोटी, और फिर अल्टीमेटली जो है शाम को जब इवेल्युएट करते हैं तो देखते हैं यार ये भी रह गया, वो 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 भी रह गया, और एक आदमी ऐसा मिलता है वो कहता है मेरे को तो चार आदमी खुट 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 करते रहे सुबह से शाम तक, जो है ये भी आया, वो भी आया, वो भी आया, मैंने तो वोट डाल दिया। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम सब मिलके सारा काम करते रहते हैं लेकिन हमको किसी को भी इंडिविजुअली ये नहीं पता होता मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे ही आपने ये एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, जैसे ही आप समझ लो कि आप 1.5 लाख का 3 लाख बोला ना, आपका 1.5 लाख का 3 लाख केवल इसी से हो जाएगा, केवल इसी से हो जाएगा। यानी गट व्यवस्था परफेक्ट करने से ही, क्योंकि आपको कहीं पे मुंह लटका के तो जाना नहीं, अगर किसी को भी डॉक्टर हर्षवर्धन के कारण मुंह लटका के जाने की कोई संभावना लगती हो तो जरा बताओ मुझे, या मोदी जी के कारण जाती हो, या जो भी कोई यहाँ से मान लीजिए कोई और भी हो, मैंने गलती से अपना नाम ले दिया क्योंकि अभी तो तय नहीं हुआ है कि कौन कोई कैंडिडेट होगा। तो हमारे पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कहीं पे भी मुंह लटका के जाने की बात नहीं है, सिर्फ हमें हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करते हुए आप जिस भी मर्जी बूथ के लिए जो मर्जी टारगेट अपने लिए तय कर लो, ये तो बहुत इन्होंने मॉडस्ट बात की अनिल गुप्ता जी ने, डरते डरते 50 वोट, अरे 50 वोट क्या होता भाई, सिर्फ 10 परिवार। यहाँ पे आपके पास 20 देव दुर्लभ कार्यकर्ता एक बूथ पे, आप 10 परिवार का सिर्फ गेन की बात कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। आप जो टारगेट तय कर लीजिए, अपना पिछला चुनाव का रिजल्ट उठा लीजिए 2014 का, बीच के चुनाव छोड़ दो, ये कॉर्पोरेशन के इसके उसके सब में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अभी चुनाव 2014 का भी नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पे लड़ा गया था, 2019 का भी उनके व्यक्तित्व पे लड़ा जाएगा। 2014 में उनका व्यक्तित्व क्या था, 2019 में क्या है, इसको बस अपने तराजू पे तोल लो और फिर उसके हिसाब से आप तय कर लो कि आप अपने पोलिंग बूथ पे कितना मार्जिन इम्प्रूव करना चाहते हो। ऐसे बिल्कुल डर लगता है तो 50 ही रखो, लेकिन मैं तो नहीं 50 रखना चाहूँगा। अरे भाई 100-150 वोट, तो 100-150 तो कुछ है ही नहीं, जहाँ एक बार आप तय कर लेते हैं, मन बना लोगे आप, तो जिस मर्जी खराब से खराब पोलिंग बूथ पे भी जैसा मर्जी रिजल्ट में उसको परिवर्तित कर सकते हो। तो बस मेरे को तो इतना कहना है कि ये आपको भगवान की तरफ से प्रचारक जैसी सुगंधी वाली, प्रचारक तो देखो भैया अभी आप नहीं हो, उसके लिए तो आपको पक्का घर बार हमेशा के लिए छोड़ना छाड़ना पड़ेगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड। अच्छा इसी में से हमने इतने सालों से देखा है कि कई लोग जो विस्तारक वगैरह बनते हैं या जो पूर्णकालिक बनते हैं उनको उस पीरियड में भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो उसके बाद प्रचारक बन जाते हैं, तो हो सकता है आपको भी कोई ऐसी कृपा हो जाए भगवान की। लेकिन इसको
निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आपको हुई है, ऐसा मान के चलिएगा, मेरे शब्दों को आप याद रखिएगा। और आपको अपना वर्थ प्रूव करने के लिए जिंदगी में इससे ज़्यादा बेहतर कोई मौका नहीं आएगा, क्योंकि 2019 का चुनाव ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये भारत को आने वाले भविष्य में क्या होना है उसका चुनाव है। भविष्यवक्ताओं ने तो 500 साल पहले कह रखा है कि भारत को विश्व गुरु बनना है, इसलिए आप में से किसी विस्तारक ने अच्छी तरह से काम किया या नहीं किया, इससे ना तो भारत का भविष्य उसका मोहताज है और ना ही नरेंद्र मोदी जी का भविष्य इसका मोहताज है। लेकिन अगर आपने इसको इस समय ईश्वरीय कार्य समझ के किया तो भारत को तो वहाँ जाना ही जाना है, आपको आपके बच्चों को इसका पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। मुझे इतना ही कहना है, विश यू ऑल गुड लक, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी कार्यकर्ता बंधु, एक सूचना भी